स्टूडेंट्स कम टू द पेज नंबर 13, यूनिट नंबर 3, एक्टिविटीज। इट्स एक्टिविटीज पेज। ए पार्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस। हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में, हमने इनको सेंटेंसेस में यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। और हमने देखना है हर वर्ड जो जिस सेंटेंस के लिए सूटेबल होगा हमने वहां उसे पुट करना है। जैसे कैट्स लाइक टू ड्रिंक डैश मिल्क। कैट्स मिल्क को लाइक करती हैं, हम क्या लिखेंगे? मिल्क। कैट्स लाइक टू ईट फिश। कैट्स आर नाइस डैश पेट्स। माइस हैव लॉन्ग डैश टेल्स। माइस लाइक टू ईट चीज। माइस हाइड इन द डैश हाउस। ठीक है बेटे, आपने इस पार्ट को इसी तरह कंप्लीट कर लेना है। बी पार्ट है फाइंड द राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पर बॉक्स में हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, हमने देखना है कि कॉलम में जो वर्ड है उसका राइमिंग वर्ड कौन सा है, यानी एक साउंड उसका देगा। जैसे कैट है, कैट के साउंड पे देखिए कौन से दो वर्ड्स और हैं बॉक्स में मौजूद, वो हमने यहाँ पर पुट करने हैं। जैसे कैट है तो कैट का हैट साउंड जो है सेम है, हैट और मैट दोनों सेम साउंड दे रहे हैं, तो हम वो दोनों यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद है लॉन्ग गोंग सॉन्ग। टेल नेल स्नेल। ईयर हियर नियर। माइस नाइस राइस। फेस रेस प्लेस। पिंक थिंक लिंक। नाइट माइट राइट। ठीक है, आपने इसको इस पार्ट को इसी तरह सॉल्व करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। सी पार्ट है इमेजिन ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दीज। फर्स्ट पे है अ कैट विद द हैट। यहाँ पर हमने कैट की विद द हैट, एक हैट पहने हुए पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसमें कलर करनी है। सेकेंड है अ माउस विद चीज। यहाँ पर माउस की पिक्चर ड्रॉ करनी है चीज खाते हुए और उसमें आपने कलर करने हैं। ठीक है, आपको इस पेज की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।